जो कभी पापड़ बेचकर चलाता था जीवन, आज है गरीब छात्रों का मसीहा। बिहारी में जोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी बेटे के बारे में जिसने लंबे समय तक जातीय भेदभाव को सहना पड़ा। बचपन और शुरुआती जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन कहते हैं ना, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं हौसलों के बदौलत उन्होंने अपना सपना आगे बढ़ाया और जीवन में एक नया मुकाम हासिल किया। आज हम बात कर रहे हैं आनंद कुमार के बारे में। यही आनंद कुमार जिन्होंने पटना में सुपर 30 की शुरुआत की थी। आनंद कुमार का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका घर रेलवे ट्रैक के किनारे एक छोटा सा मकान था जिसमें वे किराए पर रहते थे। आनंद के पिताजी डाक विभाग में कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें पैसे इतने नहीं मिलते थे कि अपने परिवार को चला पाएं या कहें कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएं। आनंद बताते हैं कि उनकी पढ़ाई मात्र 2 क्लास तक प्राइवेट स्कूल में हुई थी। वह अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि हमारे पास स्कूल जाने तक के कपड़े नहीं थे। हम उन दिनों कॉटन के कपड़ा पहना करते थे क्योंकि वह सस्ता होता था। वे बताते हैं कि सभी लोग स्कूल एल्युमिनियम का बना हुआ थैला लेकर आते थे, लेकिन हम टीन का बना हुआ थैला लेकर जाते थे। आनंद को उन दिनों लगता था कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिताजी कहते थे कि पढ़ाई पैसे से नहीं, मेहनत से की जाती है। आर्थिक तंगी के कारण आनंद कुमार 2री क्लास के बाद सरकारी स्कूल की तरफ चल दिए। उन्होंने बताया कि मेरे घर के सामने एक नाला था और नाले के उस पार सरदार जी का घर था जिसमें एक मास्टर साहब पढ़ाने के लिए उनके बच्चों को आते थे। उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, जिसके बाद मुझे पढ़ाने का वहाँ पर मौका मिला और मैं खुद उस समय 6ठी क्लास में पढ़ता था और इस दौरान मैं 1 या 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आनंद का जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। जब वे 10वीं क्लास पास किए तो उनके सभी दोस्त दिल्ली रह रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वे बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई कर सके। हालांकि इंटर पास करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही आनंद ने कई गणित के कई फार्मूले खोज निकाला था। इनके द्वारा बनाए गए फार्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स जर्नल में छपा था, जिसके बाद कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने का ऑफर भी उन्हें मिल गया। लेकिन इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई और एक सपना टूट गया। हालांकि इन दिनों आनंद को सलाह दिया गया था कि वे उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जाकर मिले, लेकिन उन्हें काफ़ी लाभ नहीं मिला और उन्हें वहां पे निराशा हाथ लगी। वे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। हालांकि पिता के मौत के बाद उन्हें अनुकंपा पे नौकरी भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनकी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें वह नौकरी नहीं मिल सकी। उनके भाई उस समय तक नाबालिग थे, इस कारण से उन्हें नौकरी नहीं मिली। ऐसे में घर की जिम्मेवारी अब आनंद के पास आ गई थी और उनका भाई भी इस दौरान घर आ गया था। अब घर चलाने के लिए परिवार ने पापड़ का रोजगार शुरू किया। माँ घर में पापड़ बनाती थी और दोनों भाई दिन में पढ़ाई करते और शाम होते ही दोनों भाई पापड़ बेचने के लिए निकल जाते थे। इसी तरह से उनका जीवन 4 सालों तक चला। वह साल था 1998-1999 का, जिसमें दोनों भाइयों ने सोचा कि कब तक इस तरह से पापड़ बेला जाएगा, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाए। आनंद पहले ही बच्चों को पढ़ाते रहे थे, ऐसे में उन्होंने रामानुज क्लासम की शुरुआत कर दी। यहाँ पर धीरे धीरे क्लास में बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। इससे दोनों भाई काफ़ी खुश थे। इसी तरह से यह कारवा आगे बढ़ता गया और साल 2002 में सुपर 30 की शुरुआत हो गई। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि रामानुजम कोचिंग में कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे आते हैं जो कि गरीब परिवार से होते हैं। वे IIT में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में इन बच्चों को IIT तक पहुंचाने का यह एक अच्छा तरीका था। फिर साल 2002 में सुपर 30 की शुरुआत हो गई। बाद के दिनों में सुपर 30 को लेकर विवाद शुरू हो गया। अभी आनंद और आनंद कुमार अलग अलग हो गए। हालांकि जब सुपर 30 की शुरुआत हुई थी तो दोनों साथ में काम कर रहे थे। शुरुआती दिनों को याद करते हुए अभी आनंद बताते हैं कि हमें लगा था कि 30 बच्चों में से कम 5 बच्चे तो IIT क्रैक कर ही लेंगे, लेकिन पहली बार में सुपर 30 ने कमाल किया और 30 में से 18 बच्चे IIT के अंदर चले गए। अब इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की पहली पसंद हो गई थी सुपर 30। साल 2008 में तो गजब हो गया, 30 में से 30 बच्चे सफल हो गए और सभी को IIT। ऐसे में सुपर 30 और आनंद कुमार का खूब नाम हो रहा था। सुपर 30 में आनंद कुमार के साथ के दिनों में को लेकर अभियानंद ने BBC से बताया है कि साल 2002 से 2005 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब सुपर 30 और रामानुज अलग अलग हुआ करता था। फिर आया साल 2006 में, जिसमें आनंद कुमार ने अभियानंद को कहा कि दो अलग अलग कोचिंग होने के कारण ज़्यादा परेशानी हो रही है, दोनों को एक साथ कर देते हैं।
फिर अभियानंद ने कहा कि ठीक है। उन्होंने आनंद कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2006 और 2007 में आए परिणाम में वह लगने लगा था कि रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ी है। अभियानंद बताते हैं कि साल 2002 और 2008 तक कन्फ्यूजन में काम किया। आनंद कुमार का साथ छोड़ने के पीछे का जो तर्क दिया उसमें यह बताया कि एक तो पारदर्शिता की कमी थी और दूसरा यह था कि समय भी उनके पास बहुत कम था। उन्होंने सुपर 30 की शुरुआत को लेकर बोलते हुए कहा कि जब मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तब उनकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि सुपर 30 एक बिग आइडिया था जिसे निजी संपत्ति बना दिया गया। आनंद कुमार पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने सुपर 30 का लिस्ट जारी नहीं किया और अपने कोचिंग के छात्रों का ही नाम उसमें वो शामिल कर दिया करते थे। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं हर साल सूची जारी करता हूँ और अखबार के लोगों को देता भी हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग वाले बच्चों की खरीद फरोख्त न कर लें इसके लिए नाम पहले नहीं बताया जाता है। तमाम विवादों के बाद आनंद कुमार और अभियानंद के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन आनंद कुमार सुपर 30 के साथ आगे बढ़ते रहे। साल 2016-2017 में उनके ऊपर एक बायोपिक फिल्म की शुरुआत हुई जिसमें ऋतिक रोशन अभिनेता के रूप में थे। इस फिल्म में लोगों को खूब पसंद किया। आनंद कुमार के ऊपर साल 2009 में डिस्कवरी चैनल के ऊपर सुपर 30 पर 3 घंटे का कार्यक्रम दिखाया गया था। जापान की पूर्व मिस और अभिनेत्री नोरिका फुजीवारा जब पटना आई थी तो उन्होंने आनंद कुमार के कार्यों पर एक लघु फिल्म बनाई थी। आनंद कुमार अपने कार्यों को लेकर कोलंबिया विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दे चुके हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें फ्री में शिक्षा देने के कारण उन्हें लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में भी नाम दर्ज किया गया है। साल 2010 में टाइम्स पत्रिका ने सुपर 30 को बेस्ट ऑफ एशिया की सूची में स्थान दिया था। साल 2010 में ही उन्हें बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आनंद कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया था। साल 2021 में उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे वो शिक्षक जिन्होंने एक पापड़ बेचने से अपने आप को शुरुआत किया था और आज जो है वो गरीब छात्रों के लिए एक मसीहा के रूप में सामने आए हैं। और चलते चलते आपसे एक सवाल कि आनंद कुमार को एक शिक्षक के रूप में आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।